ओके गाइस, तो इस समय अब हम लोग गाइस स्टार्ट करने वाले वुडियर रेदर वाला चैलेंज क्यूडी के साथ। एंड इसके अंदर भाई अपने पास दो चॉइसेस मिलेगी जिसमें से हम लोग को कोई भी एक चॉइस चुननी होगी। एंड देखते भाई किसकी कोई चॉइस ज्यादा सही रहती है या फिर ज्यादा रिलेटेबल रहती है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग के पास सबसे पहला सवाल आ चुका है। तो सबसे पहला ये है कि बी बाल्ड और हैव अ 6 फुट लॉन्ग ड्रेडलॉक्स। अबे ड्रेडलॉक्स क्या होते हैं बे? भाई तू ना थोड़ी थोड़ी इंडिया वाली बातचीत करना, ऐसे क्यों कर रहा है तू? भाई ब्रिटिशर थोड़ी हूँ ये। अरे हाय, अच्छा अरे अरे समझ गया ये। अबे मेरी तो हाइट भी 6 फुट नहीं है, तो मेरे से लंबे हो जाएंगे भाई। मैं तो मजाक नहीं कर रहा, मैं तो भाई बाल्ड हो जाऊंगा, बोल्ड कह रहा हूँ, बाल्ड हो जाऊंगा भाई। ये नहीं रख सकता, वो भी 6 फुट लंबे। चैट में तुम लोग भी बताओ, ठीक है? चैट में तुम लोग भी बताओ तुम क्या लेते। मैं तो भाई पता है क्या लेता, मैं लंबे बाल रख लेता, मैं गंजा नहीं होना यार। अफ्रीकन स्टाइल? अरे भाई भाई मैंने ना पूरा ही अफ्रीकन जितने भी लोग देखे ना आज तक, वो सबके सब यही स्टाइल करके रखते हैं, और मेरे को बहुत अजीब लगता है स्टाइल। ये बहुत अजीब है। आई कैन कैरी भाई, आई कैन कैरी। किसको क्या पता चल रहा है, एक साल बाद थोड़े बहुत कटवा लेंगे, इसमें क्या गंजा होने से तो नहीं यार। नहीं नहीं भाई, मैं तो गंजा हो जाऊंगा, वापस बाल आ जाएंगे 2 महीने बाद। धीरे धीरे हम भाई हो रहे हैं असली में भी भाई, तू कर ले, चल कर जो तेरा दिल कर रहा है, क्लिक भाई। मैं तो भी बाल्ड करूंगा, देखो भाई 57% लोग, भाई 57% लोगों को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। फिर लोग बोलते हैं कि उनको उनके बाल से प्यार है। और देखो चैट के अंदर भी बंदे बाल्ड लिख रहे हैं, बंदों को भी सही है, किसी को नहीं चाहिए भाई वो लंबे लंबे वो झटाए। I don't know, तुम लोग क्यों पसंद है। चलो ठीक है, अपनी अपनी बात है ना, मैं तो लंबे बाल रखता हूँ, that's why I'm saying. Be an astronaut or a sailor. Oh, astronaut. Astronaut यार। भाई sailor तो guys हम लोग है अभी, हम लोग ने ship पे बहुत घूम लिए, हम लोग बहुत ज्यादा नो जो guys हम लोग बहुत ship पे घूम लिए हम लोग को, तो भाई astronaut के तो सपना है यार स्पेस में जाने का सबका होता है भाई। हम दोनों अंडमान में रहते हैं ना, क्रॉनिक और मैं भाई, तुम लोग पता है शाम को निकलते होंगे एक्टिवा लेके या बाइक लेके, गाड़ियां लेके बाहर जाते होंगे घूमने, हम जाते हैं शिप लेके। मतलब हम पे बड़ी वाली शिप नहीं है, हम पे छोटी वाली बोट है, बिल्कुल छोटी वाली, पर कम से कम हम लोग बड़ी वाली में बैठे हैं, तो इसलिए हमको पता है भाई की वो सारे फील ले रखी है हमने। और पता है एक बार तो क्रॉनिक मेरे घर के बाहर आया जब हम छोटे थे, और ये बोट लेके आया, और पता है मेरे को क्या कहता, भाई डोरीमोन के अंदर मैं देख के आया हूँ, पानी के समुंदर के अंदर पीसू के नाम का एक जानवर रहता है, तो उसे पकड़ने चलते हैं, तो ये मेरे को उसके लिए लेके गया था, पता है? पानी की वजह से हमारा दिमाग बहुत अलग था उस समय पे। Bro, go with astronaut, man. आया, obviously भाई astronaut बनना है। कौन क्या कर? अरे 38 बंदों को sailor बनना है astronaut छोड़ के। अबे ये वापस से वाले होंगे ना, पानी नहीं होता ना। अरे हाँ अबे ये 2 ही आ रहे है क्या बस? दोबारा कर परफेक्ट गाना। उस लाइन्स कैसी थी उस गाने की, आई फाउंड अ लव फॉर मी, बस ठीक है। और माइकल जैक्सन बेबी लेट्स गो, आई विल। अरे वो भाई माइकल जैक्सन वो यार वो स्केल की तरह गिर जा भाई माइकल जैक्सन वो ऐसे गिरता है, और वो गिर के फिर वो ऐसे उड़ जाता है भाई। उसमें फिर बाद में बहुत खबर चली थी ना कि वो वैसे जूते यूज करता था। बट भाई देखो मेरे लिए माइकल जैक्सन इज गुड। सिंग। अरे मेरे लिए भाई सिंग लाइक एड शीरन। Why not, bro? ये माइकल जैक्सन वाले लोग मेरे साथ हैं क्या? भाई मेरे को माइकल जैक्सन पसंद है भाई। किस किस को माइकल जैक्सन पता है वो मेरे को बता दो। पता कह रहा हूँ पसंद है किस किस को पसंद है? मेरे को पसंद है माइकल जैक्सन। अबे तेरी कौन पूछ रहे रे लाले। देखो एमजे वाले हैं बंदे, लेट्स गो। अबे यार एक ही बंदा भाई, अच्छा नहीं है, एक दो है। एड शीरन के 3-4 गाने सुने होंगे तुमने, पूरे तो वैसे भी नहीं सुने होंगे। माइकल जैक्सन इज अच्छा माइक, अच्छा उन लोगों ने, अच्छा इसके नहीं सुने होंगे, उन लोगों ने माइकल जैक्सन के सुने होंगे यार, देखा होगा। माइकल जैक्सन कितने गाने, बिली जीन्स, बीट इट, शिकागो। अरे भाई वो पैदा नहीं हुए तो उससे पहले माइकल जैक्सन गाता था, वो टाइम खत्म हो गया, गया वो टाइम। आई विल गो विद माइकल जैक्सन। बाकी एक पोल डाल दे चल, मैं तो कह रहा हूँ चैट में माइकल जैक्सन या फिर एड शीरन। पोल अब पोल कहाँ से डलेगा? देख देख देख, वहीं को होगा ना ऑप्शन।
अरे नीचे देखना प्लस का आइकन आ रहा है नीचे, किधर? अच्छा 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 हाँ समझ गया, स्टार्टअप पोल फर्स्ट में दिखते हैं भाई। देखो एक बंदा कह रहा है वैसे एड शेरन है कौन भाई? ओए है तुम हो भाई मेरे, एड शेरन अभी इंडिया में भी आया था पता है, उससे कुकिंग वुकिंग करवा ली, कितना कुछ करवा लिया लोगों ने, कंटेंट काटा भाई उससे बहुत। भाई लोग देखो पोल तो मैंने डाल दिया है, पर तुम लोग ना थोड़ा ना सोच समझ कर दबाना, ऐसा मत करना रे सीधा 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 ले भाई दबा दिया, एक बार सोचो और फिर बताओ कि तुम दोनों को कौन सा, तुम लोग को कौन सा जमता है, उस पर क्लिक करो। अपन ने तो दबा दिया भाई 46% माइकल। ओ है कहां मैं जीत रहा भाई, 15 वोट हो चुके और अभी मैं 60% पे चल रहा हूं, माइकल जैक्सन 40 पे है। गाइस गो विद माइकल जैक्सन यार, तुम लोग यार हद है भाई, लोग जबरदस्ती में मत आओ, मैं तुमको बोल रहा था, सच में तुम देख लेना, तुम सुनकर देखोगे ना तुम कह दोगे भाई कि हाँ माइकल जैक्सन नहीं रहे, उसका टाइम गया भाई, उसको बस हमारे पापा के टाइम पे जो बाहर के लोग थे ना वो सुनते थे भाई, बस अब मैं क्या बोलूं। ठीक है गो विद एड शेरन भाई। हेलो क्रॉनिक भाई, हेलो 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 ब्रो, एड शेरन कौन है भाई? वो एक बहुत बड़ा सिंगर है यार, अगर आप देखोगे तो उसको आपने कहीं ना कहीं उसके गाने सुने होंगे इंस्टाग्राम रील्स में, बट आपको पता नहीं होगा वो है कौन। अरे एड शेरन ने वो गाना गाया है ना परफेक्ट, तुम लोग ने नहीं सुना कि उसकी मेन हुक लाइन क्या है परफेक्ट की? अरे वो तो तेरी रिंगटोन में भी लगी है पर अब दिमाग से निकल रही है। She look perfect tonight. अरे वो ऐसे डांस करना है गाना नहीं। अरे स्टिल फिर भी मतलब एक सेकंड से चॉइस तो एक तरीके से यही है ना कि या तो तुम माइकल जैक्सन को चुनो या फिर तुम एड शेरन को चुनो, वो तो है ही। बट ठीक है गो विद एड शेरन भाई, कितने सारे लोग तेरे साइड हैं भाई? एमजे को सिर्फ 38% मिले हैं दोस्तों, इट्स वेरी गुड कि इसको भाई इतना मिल गया, उतना ही होता है भाई उसकी जिंदगी के लिए। वैसे वो जिंदा होके वापस आने वाला था पर बता नहीं कब आएगा, कुछ ज्यादा हो रहा है ये भाई, मेरे एक अच्छे सिंगर पसंद था मेरे को उसके बारे में, बट चलो एड शेरन भाई देखते हैं कितने परसेंट लोग चाहते हैं। माइकल जैक्सन वांट बेबी, अबे क्या लोग है भाई ये, कौन से लोग है भाई? भले ही तुम लोग ने एड शेरन चूज किया बट हमारा माइकल जैक्सन जीता है। ओके ये क्या है, कडल विद योर पार्टनर एवरी डे, शावर विद योर पार्टनर एवरी डे, everything I can do anything everything, मैं तो बहुत चूज कर दूंगा बट नहीं कर सकते, बहुत तो नहीं कर सकते, चूजते की कर सकते गाइस। ओके आई विल गो विद शावर, क्योंकि वो शावर के अंदर मैं वो वाला भी ऑप्शन कर सकता हूँ। हाँ वही सेम ना ब्रो, इसमें तो दोनों हो सकता दिमाग। ये तो गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा मेरे को तो लग रहा है कि इसमें तो एकदम मतलब नॉर्मली जवाब आने वाला है, मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा परसेंटेज एक साइड होने वाला है ब्लू में। कर दे भाई देखते हैं कितने लोग चाहते हैं। या अरे चैट में हाय हाय सोनाली मिनी व्लॉग, हाय 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 भाई स्पैम मत करो। मिनी व्लॉग यार लोग मिनी मिनी व्लॉग भी, मिनी व्लॉग्स में क्या होता है, मिनी शॉर्ट्स वाले व्लॉग में आना चाहिए। अबे बंदो सिर्फ 27% भाई, ये लोगों को सोने को नहीं मिल रहा क्या अपने? अरे नहीं ये बंदे वो है भाई जो नहाते नहीं है। अबे भाई तो इसमें तो क्रिएटिव का भी नाम आता होगा फिर। हां वो तो है क्यों ब्रो, पहले अब ये क्या है, बीएम मास्टर एट ओरिगामी भाई ये क्या है, पहले पार्टनर ढूंढना पड़ेगा भाई। व्हाट इज दिस भाई ये क्या है, इसको स्किप कर दे। तो क्या करूं राइट या लेफ्ट, कुछ भी कर दे, जब भी कुछ समझ में आए तो हमेशा लेफ्ट चले जाओ। हां ठीक है भाई चले गए ना, चलो अगला क्वेश्चन। हो ये थोड़ा सवाल है, ये थोड़ा दिमाग वाला ये सवाल है, चलो बी आ लॉयर या फिर डॉक्टर? ओके यार देखो शॉर्ट्स में ब्लॉग्स, अच्छा अच्छा ओके ओके, अगर इसी में मेरा ओपिनियन लोगे ना तो लॉयर, अब उसमें ये नहीं लिखा कि तुम किस टाइप के लॉयर बनोगे, या तो तुम अमीर वाले बनोगे या तो गरीब वाले। अबे ऐसे तो डॉक्टर भी अमीर भी बन सकता है गरीब भी बन सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है यार, ये थोड़ी बात होती है। अब लॉयर की दो कैटेगरी होती है ना, या तो लॉयर बहुत अमीर होते हैं या फिर वो एकदम एवरेज होते हैं, समझ रहा है, मंथली सर्वाइव करने वाले। आई नो आई नो। और जो डॉक्टर होते हैं ना मैक्सिमम मेजॉरिटी दे आर अमीर, ऐसा जरूरी नहीं है या कह सकते हैं, कह सकते हैं कह सकते हैं, अगर कोई डॉक्टर बन गया तो उसके पास पैसा तो आता है यार, मिडिल क्लास से तो ऊपर ही मिलेगा वो आराम से। हां दैट्स व्हाई आई विल गो विद डॉक्टर, मैं खुद की सर्जरी अभी खुद कर लूंगा। अरे भाई क्या बात कर रहा है, पता है तेरे को जितने भी ये हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे रहते हैं वो गंजे बैठे रहते हैं,
मैंने कभी ये देखा है, हम लोग जितने भी स्किन डॉक्टर पे गए ना उनकी स्किन बुरी दिखती है मेरे को, और जो बंदे है ना डॉक्टर की भाई बालों का डॉक्टर, उसके सर पे बाल नहीं है और वो बालों का डॉक्टर है, एटलीस्ट उनपे पैसा तो है, वो तो है चलो, पर वो तो लॉयर में मिल सकता है भाई अगर तुम बन गए ना आते घंटे वाले। यार अब वो होता है यार, अब हर फील्ड में होता है, कोई टॉप लेवल का बन गया तो बन गया, बट लॉयर में फिर भी मैं कहूंगा थोड़ा पहुंचे। अरे भाई 50 to 48 तो नॉर्मल नॉर्मल सही है, क्लिनिक वाला डॉक्टर क्लिनिक वाला डॉक्टर भैया पांडा। अरे क्लिनिक वाला डॉक्टर क्या कह रहे हो, कितने कमाते हो तुम, मतलब ये होना चाहिए भाई झोला छाप। अरे नहीं भाई क्लिनिक वाले बंदे बहुत कमाते हैं हमारे यहाँ पे। अरे कमाते हैं हमारे यहाँ, कमाते हैं भाई हमारे यहाँ पे, देख जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी कमा लेता भाई। भाई अगर सोच अगर वो एक बार फीस लेता है मान ले 500 रुपए, ठीक है हाँ, वो तो अगर क्लिनिक पे जाओगे 500 लेगा वो लेते है। और उसके उसके पास एक दिन के अंदर अगर 50 आए, 50 लोग आ जाते होंगे ना, आ जाते हैं अगर चल तू 500 नहीं तू अगर तू 300 भी लगाएगा ना, 200-300 की भी अगर समझ ले तो भी भाई हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है यार। भाई अगर मान लो चलो 10 आए, 200 रुपए वो ले रहा है, ठीक है 10 लोग आए तो दिन के 2000 रुपए, दिन के 2000 तो 10 दिन के कितने 20,000 और 30 दिन के 60,000, 20-60,000 ठीक है। और ये 200 में, पर 200 कोई लेता नहीं है, लोग लेते हैं 500 और 20 लोग आते नहीं है, आराम से भाई आराम से। और ये तो वो है अगर, और पता है कई का डॉक्टर जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं भाई, अपना खुद की दवाई भी देते हैं वो लोग, वो उस पे तो इतना मार्जिन खाते हैं कि बस पूछो मत। और कई लोगों के तो ऐसे खुद के केमिस्ट शॉप होती है, हाँ वही तो वही वही दवाई मिलेगी वो, हाँ उनका तो भाई बहुत मार्जिन आर पार होता है। जो लोग कहते हैं कि बाहर से दवाई लो उनका तो चलो फिर भी कम कर सकते हो भाई, बट लेकिन उनका बहुत ज्यादा तेरे। पिया पांडा अ यूनिकॉर्न, और ये यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न ये वही होता है ना सिंह वाला घोड़ा भाई। देख मैं तो यूनिकॉर्न बनूंगा क्योंकि उसके सिंह से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ भाई दूसरों के लिए, तो मैं तो यूनिकॉर्न बनूंगा भाई, मेरे को सिंह बहुत पसंद है यार भाई। पांडा क्रिएटिव, पांडा क्रिएटिव किधर है तू, तुम लोग को पता नहीं क्यों बनना है पांडा यार, मेरे को समझ नहीं आता। चलो भाई यूनिकॉर्न घोड़े की तरह भागेंगे कूद कूद के। अरे बट यूनिकॉर्न का पंख भी होते हैं भाई, वो उड़ता भी हाँ, है क्या? अरे हाँ याद है याद है। ओके लोग अरे कितने बंदों ने पांडा पांडा, पांडा तो एसजीओ भाई है एसजीओ भाई तो है भाई पांडा इज फॉर रियल डोरा द एक्सप्लोरर भी है वो बी अ वेल नोन यूट्यूबर या अ सपोर्टिंग एक्टर ब्रो। यार ये कोई सवाल है क्या, ये देख तो ले तू पूछ किससे रहा है ये। हां एग्जैक्टली आई विल, अबे इधर देख पूछ किससे रहा है, वही ना मैं आंख बंद करके जाऊंगा भाई, आंख बंद करके जाऊंगा यूट्यूब की तरफ। 65% आर विद अस गाइस, क्या बात है। अब ये क्या है, बी अ स्मर्फ इन अ विलेज विदाउट अ स्मर्फीट, द ओनली स्मर्फीट इन द एंटायर विलेज। ये क्या वही सर्फिंग करने वाले को कहते हैं क्या, किसको कहते हैं स्मर्फ, ये क्या होता है स्मर्फीट। अगर इतनी अच्छी इंग्लिश होती तो आज मैं ग्रेजुएशन के बाद कुछ कर नहीं रहा होता। तो जल्दी बोल राइट या लेफ्ट, पता नहीं कुछ भी करते यार। नहीं भाई ओए ओए 53% बी अ लायन अ टाइगर, टाइगर अभी मत पूछो टाइगर क्यों भाई, हमारे 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 टाइगर का हमारा टाइगर अपने देश में कुछ है क्या, नेशनल कुछ है क्या, है ना नेशनल एनिमल है भाई। हाँ ओके नेशनल बर्ड अपना पिकॉक है और नेशनल एनिमल टाइगर, इसलिए भाई टाइगर हमारे देश में टाइगर है भाई। शेर ऑलवेज विन ब्रो। बी आ सुपर सियान और आ जीडी मास्टर, सुपर सियान तो मेरे को पता है, जीडी मास्टर थोड़ा सा सुपर सियान, सुपर जीडी मास्टर मेरे को सुना सुना तो लग रहा है ये। अच्छा स्टार वॉर्स वाला है ये, आई मैंने नहीं देखी स्टार वॉर्स, आई नहीं नहीं पर man. पर आई नो इट इज अ वेरी वेरी इजी सुपर सियान, सुपर सियान लेट्स गो ऑलवेज ब्रो। बी अ मास्टर एट ड्राइंग एंड एन अमेजिंग सिंगर, सिंगर 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 ऑब्वियसली इसमें भाई सिंगर रॉयल्टी बेचेंगे भाई, रो सिंगर रो भाई रॉयल्टी बेचो रॉयल्टी। ड्रॉइंग वाले भी अमीर होते हैं लेकिन सिंगर्स आर लाइक ज्यादा अमीर, मतलब ज्यादा नहीं इन द सेंस बल्क में अमीर होते हैं। बात तो सही है, ड्रॉइंग वाले हैं वो मेजॉरिटी अमीर नहीं हो पाते। ये देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, इसको हर चीज में ना पैसा देखना है कि किसमें पैसा ज्यादा है, उधर ही जाऊंगा मेरे पास अभी वही नहीं है। वो तो सेम रे, वेरी वेरी रिलेटेबल भाई भाई बता यार पैसा ही दे रहा हूं गाइस,
बाय हिज चैनल मेंबरशिप, पैसा दो भाई, पैसा कमाना है हमें, बाय मेंबरशिप, वी नीड मनी। आज समवन हियर आउट ऑन अ डेट, गो होम। वेट, आज समवन हियर आउट ऑन अ डेट, गो होम। डेट भाई, घर जाना है अपने को भाई, अपना स्ट्रीम कर रहे हैं, अपना सब कुछ है घर, बस मस्त। ये पता है तुम ना, लड़कियों के पीछे मत भागना गाइस कभी से। ये क्या भी है, यूनिकॉर्न और मरमेड? अरे ये तो इजी है भाई। ओ, ओ! ये लड़कियां चलाती है साइट, मेरे को पता चल गया। और ये क्या है, अ प्रेसिडेंट, एवरीवन हेट अ नॉर्मल पीसफुल मिडिल क्लास सिटीजन। ओ भाई, अ प्रेसिडेंट एवरीबॉडी हेट्स, आई डोंट केयर ब्रो, आई एम अ प्रेसिडेंट भाई। सीरियसली, मैं भी प्रेसिडेंट ही बनना चाहता हूं भाई। मैं प्रेसिडेंट हूं भाई, अपनी तानाशाही करवाएंगे, सामने कोई पूछ बोल नहीं पाएगा। ऐसे तो अब ट्रम्प को भी पूरी दुनिया हेट करती है, पर है ना भाई, वो है भाई, वो एकदम जॉड बंदा है भाई, स्टिल नॉर्मल सिटीजन बन रहे हैं। लैग नहीं होना चाहिए ब्रो, ब्रो लैग तो नहीं है ना, बस एक बार चैट में बता दो। एक बंदे ने लैग लिखा था, वेट वेट वेट, लेट मी सी। लैग हो रहा है गाइस, इट lagging or not? No भाई, कोई लिख तो नहीं रहा, मेरे को लगता नहीं, एक ही बंदे ने लिखा है। रुक, बाकी मैं OBS पे चेक करता हूँ, रुक एक सेकंड, एक बार थोड़ा सा हिल, नहीं चल रहा है, सही 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 है। Let's go, let's go. All good भाई, all good. Let's go. Yeah. Be a president's child, a celebrity, bro. भाई ये, भाई मैं तो कहूँगा भाई, मेरा मन तो कहेगा president child भाई। कम से कम भाई तू वापस प्रेसिडेंट बनने के लिए, और क्या पता भाई तू अपना नाम बना ले और तू क्या तगड़ा प्रेसिडेंट बन जाए, कोई भरोसा थोड़ी भाई। भाई यार, हाँ। वो बहुत है प्रेसिडेंट का चाइल्ड बनना। हाँ। पूरे ऊपर से तेरे को पता है कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो पैसा तो उस तो अंधा भरा पड़ा है। अरे अरे अरे, बस बी अ प्रेसिडेंट चाइल्ड मैन। हैं भाई, लोगों की ना कुछ अलग ही सोच है। एक दिन हम लोग ना ये वुड यू रेदर अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ के रिकॉर्ड करेंगे। लैम्बोर्गिनी सेलिब्रिटी चाइल्ड, जीन्स कितने अच्छे हो गए इफ पेरेंट्स प्लास्टिक सर्जरी वाले ना हो तो। यार ऐसा क्या है भाई सेलिब्रिटी चाइल्ड में, भाई सामने प्रेसिडेंट चाइल्ड है भाई, ये भी तो सोचो। सेलिब्रिटी चाइल्ड बेसिकली ना यार, अब यार एक तो तुम लोग को बताऊं मैं, जो सेलिब्रिटी मॉम डैड होते हैं ना, लाइक कुछ ऐसे होते हैं ना, तो यार अब एक बात सोचो, देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, फिर अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि सेलिब्रिटी पॉपुलर वाले सीन में सोच रहे हो, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अगर एक बंदा सेलिब्रिटी का बेटा है तो तुम बैठे हुए तो तुम नहीं हो, ठीक है, नहीं हो तो तुमको सिर्फ जो नई जनरेशन है ना वो लोग ही जानते होंगे, ठीक है भाई, जो पापा या पुरानी जनरेशन है वो लोग ही जानते होंगे, पर अगर तुम प्रेसिडेंट के चाइल्ड होगे तो तुम न्यूज पे आओगे, तुम न्यूज़ पे आओगे ना तो तुमको सब जानेंगे सब। भाई मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, ये ना पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी से कुछ नहीं होता। हां नहीं, पर स्टिल अगर तुम लोग पॉपुलैरिटी के नाम पे चुन रहे हो ना तो उसमें और भी पॉपुलैरिटी है। देखो एंड में ना व्हाट मैटर्स ना इज पावर एंड मनी, दैट्स इट। मतलब प्रेसिडेंट चाइल्ड को हमेशा जान का खतरा रहे। भाई मैं तुम लोग को बता रहा हूं, अगर वो तो किसी को भी रहेगा, आप सलमान खान का देख लो। अब अगर तुम प्रेसिडेंट के बच्चे हो ना, तो कल को जाके तुम जब पावर में आओगे, तुम्हें पैसा होगा, तुम कहोगे ना शाहरुख खान की बेटी से शादी करने के लिए, तो शाहरुख खान अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवा देगा। सोचो तुम पे ऐसी एक पावर होगी कि टॉप सेलिब्रिटीज आर इनटू यू, सो दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट का बच्चा ऑलवेज। ओके, देयर इज बी अ गोस्ट ऑफ अ वैम्पायर, वैम्पायर व्हाई नॉट, गोस्ट गोस्ट में क्या है यार, मजा ही नहीं, पर स्टिल भाई तो बराबर ही है, एकदम ही बराबर हो रहा है। नहीं, लोगों को भूत क्यों बनना है, वैसे शक्लें तो भूत वाली बहुत लोगों की होती हैं भाई, धीरे धीरे रात होती जा रही है भाई, लाइट कम होती जा रही है, सनलाइट। हाँ कुछ भी कह रहा है तू भाई, रुक। हाँ और क्या, सनलाइट कम हो रही है भाई, क्या बात। अबे यू लुकिंग सो हैंडसम ब्रदर, क्या बोले, क्या बोला यार, इसकी तारीफ करो थोड़ी यार। क्रॉनिक अच्छा नहीं दिखता है क्या? Come on man, Chronic looks so good. उसे लाइट की जरूरत है? No fucking way man. अरे भाई ये तो आज ही तो लाइट खराब हुई है, सर में दर्द है भाई। मिस्टर टेन परफेक्ट बॉय भाई, जब तूने लाइट हटाई ना तब तेरे जो शार्पनेस है शकल की, योर लुक मैक्सिंग सब कुछ दिखाया आज। अजी हाँ भाई, अजी हाँ। Bro come on man, देखो देखो ब्लश भी कर रहा है ये अभी भाई। एक मैं तो कह रहा हूँ तो फुल करके दिखा एक बार अपना कैमरा सबको, ब्रो तारीफ करो गाइस इसकी, ही डिजर्व्स। इन्वर्टर 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 क्यों स्पैम हो रहा है, क्या हो गया?
लग रहा है मेरा नेट गया भाई, आप मैसेज कैसे कर रहे हो? वो इन्वेंटर। अच्छा इन्वेंटर, अच्छा अरे इन्वर्टर है भाई, देख बीच में तीन मैसेज में। ओ हाँ इन्वर्टर है। मैं, मेरी आंखें खराब नहीं हो सकती भाई, कुछ हो सकता है, मेरी आंखें खराब नहीं हो सकती। ये देख ले भाई, मैं कह रहा हूँ ये बॉट हटा दे भाई। कुछ भी, टू बॉट बॉयज इन वन, ओनली वन, एंड हु इज क्रॉनिक, दैट्स इट। ओके भाई, क्रॉनिक भाई थोड़ा सा हंस लो। हा, हंस तो रहा हूँ यार मैं, अभी से टाइम लगेगा थोड़ा ही सीखने में। क्रॉनिक, क्रॉनिक एक बार खड़ा होएगा मेरे भाई, एक बार खड़ा। क्यों क्यों बे? वो ना, अबे बोल ना, कितना कितना मैं कैमरे से बाहर निकल दूंगा मैं। हाँ मेरी हाइट अलग है। तू बस खड़ा हो जा और थोड़ा कैमरे में झुक के देख, कैमरे में अपनी शक्ल लगा। इसे क्यों देखूं भाई, क्या होगा इससे? ब्रो जस्ट डू इट मैन, जस्ट डू इट, यू डोंट ट्रस्ट मी ब्रो। या ब्रो, आई एम वाचिंग द कैमरा ब्रो। ओके खड़ा है ना तू अभी? हाँ नीचे कैमरा देख झुक के। हाँ देख रहा हूँ। बोल बोल बोल, इंग्लिश और स्पेनिश कुछ ना कुछ। अरे एड्रेट हट, लाला मेरे लाला। भाई चलो भाई, लेट्स गो टू वुड यू रादर। ये इसके इसके देने पड़ेंगे भाई, ये दो दो स्क्रीन लगाए बैठा है, इधर से ये भी देख लेता, ये भी देख लेता, मैं कैम नहीं देख पा रहा इसका। क्या बोलूं भाई, ठीक है भाई चलो यार। बी अ फेमस इन्वेंटर और अ फेमस राइटर। इन्वेंटर, इन्वेंटर यार, मेरे को लिखने की स्किल्स नहीं है। बी थ्री फीट टॉल, 10 फीट टॉल, 10 फीट। नहीं नहीं पागल है क्या, पूरे कमरे जितना। हाँ यार 10 ही ठीक है फिर, इसमें क्या ही है, 10 ही ठीक है, 10 ठीक है, 10 ठीक है। बी अ फेमस सिंगर और अ फेमस डॉक्टर। सिंगर, फेमस डॉक्टर क्या आएगा, फेमस डॉक्टर क्या होगा, ये बहुत अच्छी सर्जरी करता है। बी अ गॉड और बी अ प्रिंस। गॉड, गॉड ये कोई सवाल है क्या, ये भी सवाल होते हैं क्या ब्रो? लाइक सीरियसली ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। ऑलवेज गेट इन, ऑलवेज गेट स्टक इन ट्रैफिक, या ऑलवेज हैव फिर एक बी अ हीरो। ये तुम लोग बताओ, हम नहीं बता रहे। हाँ चलो ये तुम बताओ। अब ना, अब यहाँ पे जो तीन है ना, तीन जो अगले आने वाले ना क्वेश्चन, वो लोग तुम लोग बताओ, जो लास्ट के तीन क्वेश्चन अब हम करने वाले ना गाइस, वो लोग तुम बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है। यस फॉर रियल, देखते तुम लोग जो है ना मोस्ट, मतलब ज्यादा जो लोग कर रहे हैं ना उसकी तरफ जा पाते हो या नहीं। स्टक इन ट्रैफिक, बाहर कौन जाता है। हाँ हाँ भाई, जब तुम बड़े हो गए ना, बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ता है। हीरो हीरो हीरो, विलन, विलन का ऑप्शन नहीं है यार। ये KGF देखकर आए हो क्या भाई? अब आई डोंट नो, ये लोग इतना ब्लू की साइड क्यों जा रहे हैं, और हीरो भी यार तुमने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। हीरो, ये सब लोग हीरो लिख रहे हैं भाई, कर दे भाई हीरो की तरफ, कर दे सबको हीरो बनना। लो 42% सिर्फ, 58% कहते हैं कि हमको नॉर्मल रहना है। 58% लोग कहते हैं कि हमको नॉर्मल रहने का है। लो डाउन डाउन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइस तुम्हारे लिए, तुम्हारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बी अ फ्री वाइल्ड एनिमल और अ पेट इन अ नाइस होम। अब बताओ, ये तो बहुत इजी है यार, ये क्या सवाल है बताओ। 10 करोड़ का सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर, ये रहा। अरे इट्स देव भाई, थैंक यू सो मच भाई, 19 रुपये के लिए भाई, थैंक यू सो मच भाई, 19 रुपये स्क्रीन पे देने के लिए मेरे भाई। आपने उल्टा उल्टा मुंह डाला है भाई आपने, धन्यवाद। इज दिस फर्स्ट सुपर चैट? नहीं ना लाले, आ रखा पहले। ओके ओके
भाई आप एकदम मुंह टेढ़ा करके देख रहे हो, देख लो मेरा भाई, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच भाई स्ट्रीम पे डालने के लिए। वैसे पेट 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 कह रहे हैं उनको पेट बनना है, तो गो विद पेट। क्या बात कर रहा है क्यूटी भाई, तू एक बात बोल दे, अपनी चॉइस में तो फ्री वाइल्ड एनिमल है यार, क्या बात कर रहा है। वाइल्ड एनिमल आएगा यार, घर में क्या करोगे भाई? पता नहीं भाई, हमने बहुत कुत्ते पाल लिए यहाँ पे घर में, पर फिर भी भाई पेट जो इतना खुश नहीं रहता, फ्री वाइल्ड एनिमल ज्यादा ही खुश रहेगा। वाइल्ड एनिमल बट उसकी जान का खतरा है भाई, ये भी तो सोच। हाँ भाई, सलमान खान को भी है, कोई नहीं कहेगा मैं सलमान खान को। ओके, पर बंदे सब लोग भाई पेट लिख रहे हो, तो हम लोग पेट वही क्लिक करने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए है। गो विद पेट। अबे वही है ना, सबको पका पकाया चाहिए, वो वाली बात। ओ लाइट गो। अबे लाइट कब गई थी मेरी? ठीक है, मेरी लाइट गई भी थी। वो देख लिख रहे नो गुलामी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, गुलामी कैसे भाई, हमको नहीं करनी गुलामी, नहीं ओनली गुलाबी, नो गुलामी, ओनली गुलाबी। आ गया गाइस, तुम लोग का थर्ड क्वेश्चन आ चुका है वुडी रेदर का, जिसमें बियर ड्वार्फ या फिर जाइंट, अंधा ही होता है ना वुडी? ड्वार्फ तो वो होता है, क्या होता है, अंधा होता है, क्या होता है, मतलब जिसको थोड़ा अच्छा 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 थोड़ा सा लेफ्ट राइट दिखता है क्या, या क्या होता है? हां हां भाई, इमेजेस पे यूज हो रहा, मेरे को अपनी इंग्लिश पे डाउट हो गया। अबे बोलना सॉरी, छोटा अच्छा, छोटा और बड़ा है यार, अब इसमें अरे वो डेफ होता है भाई, डेफ होता है, ड्वार्फ पे क्यों बोल रहे हम लोग? तू ये एडसरन वाला वोट हटा दे अब यार। अच्छा अच्छा, वो डिलीट कर दे, वो अभी तक जिंदा है, हटा दिया हटा दिया। ओके, जाइंट 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 ड्वार्फ, छोटू छोटू बनना है वोट को। अरे बोट तो छोटू ही है, जाइंट जाइंट लिखो भाई, तुम लोग अपना जवाब लिखो, तुम लोग जो जवाब दोगे मैं वही सिलेक्ट करूंगा, हम लोग अपना नहीं कर रहे इस वाले में। तीन क्वेश्चन तुम लोग के लिए थे, उसके बाद हम लोग इस गेम को कंप्लीट करेंगे और हम लोग अपने सेकंड गेम पे जाने वाले हैं। इंग्लिश ओपी, थैंक यू सो मच बोट, तू है तो सही, बोट है तो सही, करेक्ट करने के लिए तो है बोट। जाइंट जाइंट वॉलीबॉल पसंद है, बास्केट नहीं, पोल या फिर नहीं, चैट में बताओ गाइस। अब देखो गाइस, गाइज ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये है बास्केटबॉल खेलने वाला और मैं हूँ वॉलीबॉल खेलने वाला। मैं तो वॉलीबॉल चूज करूंगा, ये बास्केटबॉल चूज करेगा, अब तुम बताओ। अब हो जाए, चैट में स्पैम होना चाहिए, जस्ट लाइक ऐसे एकदम आग लगा दो चैट में, अब पता चलेगा। आई एम वेटिंग, देख रहा हूँ, पोल डालोगे इसका भी? नहीं नहीं, ये स्पैम होगा, स्पैम करेगी चैट भाई, स्पैम, ठीक है, मेरे को तो वॉलीबॉल दिख रहा है, वॉलीबॉल, वो एक बोट ही स्पैम कर रहा है, लेट्स गो बास्केटबॉल। ड्रीम बॉय की हाइट कितनी है वैसे? 4.5। अबे यार तू सच मत बोला कर यार, ओके ब्रो, 4.5 फुट हूँ यार, अब बस करो। वॉलीबॉल खेलना नहीं आता यार, वॉलीबॉल लोगों को खेलना क्यों नहीं आता? अबे क्रिकेट क्यों स्पैम कर रहा है तू, आउट ऑफ सिलेबस आदमी। बास्केटबॉल ज्यादा दिख रहा है भाई मेरे को, वॉलीबॉल, मेरे को तो वॉलीबॉल भी दिख रहा है भाई, वॉलीबॉल भी दिख रहा है। ए भाई ये बोट कर रहा है, ये बोट, अरे देखना वो अननोन ने भी वॉलीबॉल लिखा है, देख भाई देख, मैं कह दूं तो देख ले भाई, देख मेरे को तो ज्यादा ना लाइक वैरायटी ऑफ पीपल वो बास्केटबॉल लिख रहा है। हां चल है, बास्केटबॉल ज्यादा खेलने वाले है रे अपनी चैट में। यार पता है वॉलीबॉल के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ज्यादा लोगों ने खेला नहीं है, बास्केटबॉल फिर भी उससे ज्यादा पॉपुलर है ना, है कि नहीं? कुछ भी कहो भाई, बास्केटबॉल इज लव, मेरे को ऐसा लगता है ना, क्रिकेट इंडिया में है, फिर उसके बाद आता है कबड्डी, फिर उसके बाद फुट, नहीं नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, देन आई थिंक बास्केटबॉल आता है इंडिया के अंदर, तो है, फिर वॉलीबॉल आता है मेरे हिसाब से। लो भाई देव भाई फिर से आंख मार, अरे देव भाई फिर से आंख मार भाई, पिछला वाला वापस लेके तो इन्हें भेजा ना भाई, ऐसा मत करना यार, दुख होता है। कोई बात नहीं,
क्या ही बोले यार पर कोई नहीं, अगर ऐसे कर रहे तो कोई नहीं, फिर भी भाई थैंक यू सो मच यार 1900 रुपए के लिए अगर आपने दिए तो, थैंक यू मेरे भाई। चलो भाई गो विद बास्केटबॉल। ओके लेब्रोन जेम्स, स्टीफन करी, अबे हरामी भाई बास्केटबॉल पे क्लिक करा है, उन्हें वॉलीबॉल पे क्लिक नहीं किया। अबे देख व्हाइट लाइन, देख व्हाइट लाइन किस पे आ रही है, अबे व्हाइट लाइन किस पे आ रही है देख ले, क्योंकि व्हाइट लाइन वाले ज्यादा हैं। अबे नहीं देख, नहीं देखना मैं जिस पे क्लिक करता हूं ना उसी पे व्हाइट लाइन आती है, देख देख ले ये देख ले। चलो अपना ही लौंडा है, गाली वापस लेता हूं। ऐसे नहीं है भाई, बी बैटमैन और रॉबिन अभी करते हैं भाई, अब लास्ट सवाल करना है भाई, बस हो गया वीडियो रादर बहुत सारा। नो ब्रो नो ब्रो नो ब्रो, ओके ओके नो प्रॉब्लम ब्रो, भाई हम जस्ट बोल रहा है यार, चिल करो भाई। आई एम वन ऑफ द डिफेंडर इन माय क्लास टीम, आज ही मैच था, ओ माय गॉड क्या बात है भाई। अरे डिफेंडर बहुत अच्छी बात, अच्छे से डिफेंस करो भाई। फुटबॉल नहीं खेलते हो क्या दोनों में से कोई भी? भाई मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या बात कर रहे हो, मैंने बहुत फुटबॉल खेला पहले, पहले खेला था, फेवरेट था स्पोर्ट फुटबॉल जब मैं छोटा था। फिर उसकी एक स्टोरी है, पता है फुटबॉल से बताऊं क्या अपनी स्टोरी? इसका फुटबॉल पता तब फेवरेट था जिस समय पे ये ना चल नहीं पा। अबे नहीं भाई बताओ अपनी स्टोरी, दो मिनट दूंगा, बता बता बता। गाइस देखो लाइफ में पहली बार एक बैट मिला था मेरे को जो मेरी बुआ ने दिया था, लाइफ में पहली बार छोटा सा बैट था, तब मैं क्रिकेट थोड़ा बहुत खेल लेता था, इतना सा बैट था वो। फिर उसके बाद मेरे पापा ने लाइफ में मुझे पहली बार फुटबॉल दिलाई, व्हाइट कलर की फुटबॉल थी, तो उस फुटबॉल से मैं खेलता था, फुटबॉल वॉज माई फेवरेट स्पोर्ट। बट एक दिन क्या होता है ना, मैं अपने चाचा की लड़की के साथ फुटबॉल खेल रहा होता हूँ, अब चाचा की लड़की बड़ी थी मेरे से उम्र में, तो उसने मारी लात, और छत पे मैं खेलता था ऑलवेज, उसने मारी उस फुटबॉल पे लात, और वो जाके सीधा, अब घर के बाहर रोड है, वो जाके सीधा रोड पे गई फुटबॉल, और उसके ऊपर एक ट्रक चढ़ गया, और वो फुटबॉल जब से फटी ना उसके बाद पापा ने कभी मेरे को दोबारा फुटबॉल दिलाई नहीं, और तब से फुटबॉल से मेरा सारा रास्ता हट गया। आई नो इट्स सैड, तुम्हें मुझे सिंपथी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके बाद मेरी जिंदगी में एंट्री करी रोनिक ने, तो मैं उसी के साथ खेलता हूँ अब। भाई यहाँ पे हो गया भाई खत्म यार ब्रो, यू तारीफ कर रहा हूँ तेरी और तू अप्रिशिएट नहीं, नहीं कर रहा। नहीं मैं तेरी स्टोरी पे बोल रहा हूँ, हो गई तेरी स्टोरी, हो गई क्या, कुछ भी बनाता है भाई कुछ भी, सच बोल रहा हूँ 100%। बोल जाके पड़ गई खत्म, अब दोबारा करती दोबारा फुटबॉल नहीं, अब पापा ने नहीं दिलाई तो फिर फुटबॉल खेलना ही छूट गया, छोटा बच्चा था मैं क्या करता, ठीक है। अरे इसमें तो कोई बंदा कुछ नहीं बोलेगा, अरे सबको बैटमैन बनना है भाई, सबको बैटमैन बनना है, रॉबिन वोबिन नहीं बनना किसी को बैटमैन ऑब्वियसली। चलो भाई लोग अब खत्म करते हैं भाई अपना वीडियो रादर, और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ।